हे गाइस, दिस इज टेना फुटबॉलर। वेलकम बैक टू अ चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप संतोष ट्रॉफी तक कैसे पहुंच सकते हैं, कि हाउ टू प्ले इन संतोष ट्रॉफी, आप संतोष ट्रॉफी कैसे खेल सकते हैं। क्योंकि कई सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट में पूछा था कि आप इस पर वीडियो बनाइए कि संतोष ट्रॉफी में हम कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए, संतोष ट्रॉफी को NFC भी कहते हैं, नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप। ये इंडिया में स्टेट लेवल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। जी हाँ, अगर इसमें अगर आप खेलते हैं तो आपको नेशनल टीम में जाने का, इंडियन नेशनल टीम में जाने का और या फिर ISL में जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप इस टूर्नामेंट में खेलते हैं, संतोष ट्रॉफी के टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसकी कितनी इम्पॉर्टेंस है इंडियन फुटबॉल में, इस लीग की। तो बहुत ही अच्छा मौका बन जाता है आपके लिए अगर आप संतोष ट्रॉफी में खेलना खेलते हैं। तो देखिए, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके से आप संतोष ट्रॉफी तक पहुंच सकते हैं। पहला जो तरीका है वो डायरेक्ट स्टेट कैंप ट्रायल, मतलब ये लोग कई, जब भी संतोष ट्रॉफी का जो सीज़न होता है, जो टूर्नामेंट होता है, स्टार्ट होने वाला होता है, तो कई सारे जो स्टेट एसोसिएशन होते हैं, फुटबॉल एसोसिएशन होते हैं कई सारे स्टेट के, वो लोग डायरेक्ट ट्रायल कंडक्ट कराते हैं। मैंने कई सारे संतोष ट्रॉफी के ट्रायल पर वीडियो भी बनाए थे। अगर आपने ध्यान से अगर मुझे फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक बार दिल्ली के स्टेट टीम का ट्रायल निकला हुआ था संतोष ट्रॉफी के लिए। कई सारे स्टेट्स के ट्रायल डायरेक्ट निकलते हैं संतोष ट्रॉफी वाले, तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। देखिए, अगर आप इस स्टेट के जो ट्रायल निकलेगा उसमें अगर सेलेक्ट होते हैं, तो फिर उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग कैंप में बुलाया जाएगा। अगर वहाँ आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप वहाँ से सीधे डायरेक्ट स्टेट टीम में सेलेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ से जाके आप संतोष ट्रॉफी खेल सकते हैं। देखिए, जो दूसरा तरीका होता है उसमें क्या होता है, देखिए, जब संतोष ट्रॉफी की जब भी टीम बनती है तो उसमें ज़्यादातर प्लेयर डिविजनल के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, वहाँ से निकल के सारे प्लेयर आते हैं, वहाँ के प्लेयर छट के यहाँ पे स्टेट टीम में सेलेक्ट होते हैं, ज़्यादातर यही होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में डिविजनल टूर्नामेंट खेलने हैं। देखिए, डिविजनल कैसे खेलते हैं, आपको अपने स्कूल या कॉलेजेस के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। आपके स्कूल इंटर स्कूल टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, उसके बाद डिविजनल टूर्नामेंट है, तो वही टीम डिविजनल में जाती है। इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज के जो प्लेयर छट के जाते हैं वो फिर डिविजनल में जाते हैं, उसके बाद फिर डिविजनल टूर्नामेंट होता है। तो डिविजनल में जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको डायरेक्ट, मतलब स्टेट टीम की पूरी नज़रें डिविजनल टूर्नामेंट में ही होती है, तो वहाँ से पिकअप करते हैं, वहाँ के प्लेयर को लेते हैं वो लोग, फिर वो लोग इन प्लेयर का कैंप लगाते हैं, ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, फिर यहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर होंगे वो लोग संतोष ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट होते हैं, संतोष ट्रॉफी या स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं कि आप हमारी स्टेट टीम है। तो यही लगभग दो मेथड मेनली फॉलो किए जाते हैं संतोष ट्रॉफी में खेलने के लिए। या तो एक डायरेक्ट ट्रायल निकालेंगे या फिर डिविजनल टूर्नामेंट से प्लेयर्स को पिक किया जाएगा। तो ऑलराइट गाइस, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि संतोष ट्रॉफी कैसे खेल सकते हैं, संतोष ट्रॉफी तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप संतोष ट्रॉफी में पहुंच गए हैं, पहुंच जाएंगे, तो मान लीजिए आप एक प्रो प्लेयर बन चुके हैं, मतलब यहाँ से आपको सैलरी मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप संतोष ट्रॉफी में पहुँच जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा चांसेस रहेगा आगे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अगर आप पहुँचते हैं, तो बेस्ट विशेस रहेंगी। अगर निकलते हैं ट्रायल तो प्लीज़ जाइएगा, इन्हीं दो चीज़ों को फॉलो करिए तो डेफिनेटली आप संतोष ट्रॉफी तक पहुँच सकते हैं। तो ऑल राइट गाइस, यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ का बनाने का। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।